जितना है तो असफलता के सारे रास्ते बंद कीजिए। पुराने समय की एक कहानी है कि मोहसर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। एक दिन गुप्तचरों ने राजा को यह सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाली है। गुप्तचरों ने बताया कि यह खबर एकदम पक्की है, सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी बड़ी सेना के आगे हमारा टिक पाना बेहद कठिन है। राजा बेहद चिंतित हो गया। उसने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों की सलाह मांगी। सभी लोगों की सलाह मांगी कि अब हम लोगों को मरना तय है, अगर किसी के पास कोई भी सुझाव हो तो वह हमारे साथ साझा कर सकता है। तब राजा के ससुर मंत्री ने कहा, राजन अब जब जान पर पड़ ही गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज ही पड़ोसी देश पर हमला कर देनी चाहिए। राजा बोला, मंत्री तुम्हारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? तो मंत्री ने बोला, राजन पड़ोसी राज्य की अभी युद्ध की तैयारी नहीं है, अभी अचानक हमला कर दिया जाए तो वह संभल नहीं पाएंगे और हमें जीतने की तो कुछ उम्मीद बन जाएगी। ऐसे भी अगर हम हमला नहीं करेंगे तो हमारा विनाश होना तय है, क्योंकि कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने ही वाला है। राजा को यह बात जच गई। उसने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और राज्य के सभी नागरिक सेना से जुड़कर युद्ध करने के लिए चल दिए। पड़ोसी देश में जाने से पहले एक विशाल नदी था, इस नदी के ऊपर पुल था। जैसे ही सेना उस पुल से पड़ोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पुल को आग लगा दी और सेना से बोला कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो हमें विजय प्राप्त करनी होगी या फिर हमें यहीं प्राण त्याग देना होगा। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता से लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को मात दे दी। मित्रों, जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिए, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तो तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। अपनी सफलता के लिए खुद को झोंक दीजिए, अपनी असफलता के बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके असफल होने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहे। खुद को असफल होने का कोई ऑप्शन ही मत छोड़ो, करो नहीं। कोई समस्या आपकी क्षमता से बड़ी नहीं है, जुट जाइए, असफलता आपकी राह देख रही है। तो दोस्तों, आपको अपना असफलता के सभी रास्ते बंद करने होंगे और सफलता की ओर चल दीजिए, तभी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर कमेंट में एक प्यारा सा जय हिंद कमेंट अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।